अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने क्योंकि कुछ एरर फेस किए थे और हमने इसको ऑफ द लाइन उन एरर को फिक्स किया था, दैट्स व्हाई वी कुडंट रिकॉर्ड द लास्ट क्लास और द लास्ट सेशन. तो टुडेज क्लास इज स्पेसिफिकली टू डिस्क्राइब द एरर्स, हमने उनको सॉल्व कैसे किया, और ताकि हमारा वो जो एक वीडियो की सीरीज में एक सीक्वेंस बन पा रहा है, सारा कुछ रिकॉर्डिंग में चल रहा है, तो ये भी एक रिकॉर्डिंग में आ जाए. हमें इशू ये फेस हो रहा था, दैट वॉज रिलेटेड ऑब्वियसली लास्ट वीडियो में वो गालिबा इशू था कि हम यहाँ पे जब आ रहे थे तो बाई डिफॉल्ट हमने कहा था कि यहाँ वन होना चाहिए, और जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें तो ये बटन डिसेबल हो जाए, यानी दोबारा ऐड टू कार्ट कोई प्रोडक्ट ना हो सके. अभी तक अगर आप देखें तो कार्ट में जीरो आइटम्स शो हो रहे हैं, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कार्ट में वन हो गया और यहाँ पे ये आइटम आ गया ऑलरेडी इन द कार्ट, और ये माइनस वाला बटन भी डिलीट हो गया कि आप एक प्रोडक्ट से नीचे नहीं जा सकते. और अगर हम यहाँ पे अब इस पर प्लस पे क्लिक करें तो ये दोबारा एक्टिवेट हो गया, वन पे गएगा तो दोबारा डीएक्टिवेट हो जाएगा. तो अब हम यहाँ से जितने मर्जी आइटम्स इंक्रीज करें, ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन कार्ट में आइटम जो है वो एक ही है, तो एक हमने ये चीज़ फिक्स की थी. इसमें अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे भी वही तीन क्वांटिटी आनी चाहिए जो पिछले पेज पे शो हो रही है, लेकिन अभी तक हमने इस पर काम नहीं किया हुआ. इस पर जब हम काम करेंगे तो फिर वही काम या वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, वो तीन क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी और ये बटन अकॉर्डिंगली काम करेंगे. बिहाइंड द सीन हमने क्या किया, सिर्फ यही काम था मेरे ख्याल में हमने किया था, जो ऑफ द लाइन इसमें हमें इश्यूज थे वो फिक्स किए थे. इसके लिए हम अगर कोडिंग पार्ट में जाएं तो हमने सिर्फ हमारी जो पहले की लॉजिक थी ना ऐड टू कार्ट में, वो ये लिखी हुई थी कि हम ये चेक कर रहे थे कि अगर जब भी आइटम को कार्ट में ऐड किया जाए तो एक्शन डिस्पैच होके इस फंक्शन को ट्रिगर करे या हिट करे. जब इस फंक्शन को ट्रिगर करता था, ये फंक्शन पहले चेक करता था कि क्या जो प्रोडक्ट कार्ट में भेजने की रिक्वेस्ट की गई है वो ऑलरेडी कार्ट में है तो नहीं. अगर वो ऑलरेडी कार्ट में होता था तो फिर हम उसे ऐड नहीं करते थे, बल्कि एक क्वांटिटी में इंक्रीज कर देते थे, अदरवाइज हम उसे ऐड में कार्ट में ऐड कर देते थे. अब हम वो काम नहीं कर रहे, बल्कि हमने फ्रंट एंड से मेक श्योर कर दिया है कि दूसरी सेम प्रोडक्ट को दूसरी दफा ऐड करने की रिक्वेस्ट ही ना आ सके. तो यहां से वो लॉजिक हटा दिया जो हमने प्रीवियस लिखी थी, प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्ड में मौजूद होगा. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट के फंक्शन, जब भी कोई ऐड टू कार्ट का फंक्शन कॉल हो या इसका एक्शन डिस्पैच हो, तो जो भी प्रोडक्ट आए वो हमारे कार्ट की अरे में ऐड हो जाए. तो ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट एक ही दफा आएगा क्योंकि हमने वो फ्रंट एंड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, उसके बाद बटन डिसेबल हो जाएगा. उसके बाद ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला काम था ना, कि मिसाल के तौर पे हमने ये किया और ऐड टू कार्ट, जब एक आइटम कार्ट में चला गया तो ये बटन डिसेबल हो गया, दोबारा तो ऐड ही नहीं हो सकता. अब हमने इन बटन पे काम करना है, यानी हम इस पे क्लिक करें और ये ऐड हो जाए. तो हमने इंक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट के लिए दो अलग अलग फंक्शंस बना लिए, एक्शंस बना लिए यू कैन से. तो अब हम अगर यहाँ पे जाएं तो इसके बिल्कुल नीचे आए तो हमने ये बनाया एक इंक्रीज क्वांटिटी और एक डिक्रीज क्वांटिटी. इंक्रीज क्वांटिटी का फंक्शन तब ट्रिगर होता है जब आप प्लस पे, अब मैं इसके डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये लॉ की जरूरत नहीं है. इंक्रीज क्वांटिटी पे क्या करता है कि जब भी कोई आइटम आता है तो हम पहले उस पर्टिकुलर आइटम को मैच करते हैं कि जिस आइटम पे क्लिक किया गया है उसी आइटम की क्वांटिटी को जाके क्या करें, इंक्रीज करें. और बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे जो आइटम आता है पहले हम मेक श्योर करते हैं कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक किया गया है या जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के माइनस के बटन पे क्लिक किया गया है, सिर्फ उसी की क्वांटिटी को रिड्यूस करें, किसी दूसरे को ना छेड़े. तो ये दो लाइनों में ये काम हो रहा है, होप इट मेक सेंस. अब हमने क्या किया है, वापस अगर हम यहाँ पे आए तो हमने जो बटन के डिसेबल करने वाली लॉजिक लिखी है वो हमने अगेन वही पुरानी वाली रखी हुई है कि इस करंट डिटेल पेज में जब हम होते हैं तो हमारे पास जो करंट आईडी है वो यूआरएल में आ रही होती है. हमने उसको पिक किया और हमने ग्लोबल जो स्टेट है वहां से कार्ट की पूरी अरे उठाई और हमने ये चेक किया कि जो करंट पेज यानी करंट प्रोडक्ट है क्या ये ऑलरेडी कार्ट में मौजूद है या नहीं है. उसकी मौजूदगी का पता होना हमें ये वाली लॉजिक देगी कि हमने फाइंड से उसको सर्च किया. अगर वो है तो हमें जो भी आइटम हमें मिला उसको हमने क्या किस में स्टोर कर लिया, आइटम एग्जिस्ट के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया. और इस आइटम एग्जिस्ट की बेस पे हमने दो तीन नीचे लॉजिक्स लगाई हैं. पहली लॉजिक ये लगाई है हमने कि हमने कहा जी कि अगर आइटम एग्जिस्ट डॉट क्वांटिटी, क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल रखने के लिए दिया है इसको, तो अगर ये क्वांटिटी लेस देन वन है तो इस बटन को डिसेबल कर दिया, यानी इसकी डिसेबल की प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया. कब, जब इसकी क्वांटिटी लेस देन वन हो, अदरवाइज ये फॉल्स कर दिया. यानी कि यहाँ पे ये कि जब लेट्स सपोज ये अब लेस देन वन नहीं है, टू है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वन पे आके डिसेबल हो जाएगा, अदरवाइज ये दोबारा इनेबल हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया अगला काम कि अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँ तो सेकंड काम हमने यहाँ पे ये किया कि ये जो इनपुट बॉक्स है यानी
ये जहां पे ये शो हो रहा है टू या थ्री, हमने कहा कि ये जो इनपुट बॉक्स है इसकी जो वैल्यू है पहले चेक करें कि आइटम में कुछ है या नहीं है, आइटम एग्जिस्ट में, ताकि एरर ना दे। अगर कुछ है तो जो कुछ है जाहिर आइटम एग्जिस्ट में क्या आएगा, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आएगा, क्वांटिटी नहीं आएगी, पूरा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी की प्रॉपर्टी यहाँ लिख दे, और अगर कुछ भी नहीं है तो क्या लिख दे, बाय डिफॉल्ट वन लिख दे। और जो तीसरी चीज यानी अगली चीज जो यूज की है वो ये है कि जब आइटम एग्जिस्ट में कोई आइटम हो तो जो बटन है उस पर क्या लिख दे, ऑलरेडी इन द कार्ट, जो कि ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी इन द कार्ट है, और ये बटन साथ डिसेबल हो जाए। तो ये दो काम हम यहाँ कर रहे हैं, ऑलरेडी इन द कार्ट और इस बटन को हमने क्या कर दिया, डिसेबल यहाँ पे कर दिया। और अगर इसमें कुछ भी ना हो, यानी ये आइटम ऑलरेडी ऐड ना हो, कार्ट में मौजूद ना हो, तो फिर हमें क्या करें, नॉर्मल बटन शो करें और उस नॉर्मल बटन पे हैंडल कार्ट वाला एक्शन भी कॉल करें। सिर्फ इतने काम करने से हमारे जो इश्यूज थे जिनको हम फेस कर रहे थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। और अब हम जब कार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ है, और अगर हम किसी दूसरे आइटम पे जाते हैं, इस पे जाके हम इसको अभी देखें, दोनों माइनस और प्लस दोनों एक्टिवेट हैं। अगर हम इस पे क्लिक करें माइनस भी और ये भी डिसेबल हो जाएगा, प्लस करें तो माइनस रीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे जाएं तो हमें एक के बजाय दो आइटम्स मिलते हैं। अभी नहीं हो रहा ना, अभी इस पे हमने किया ही नहीं है। अब चाहते हैं तो हम वही काम एग्जैक्टली वही लॉजिक यहाँ पे कॉल करनी है, तो हम इस पे कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दो तीन मिनट। जी जी यस, नॉर्मली वो क्वांटिटी भी प्रॉपर्टी है ही नहीं है। ये भी एक डिसीजन है कि हमें नॉर्मली क्वांटिटी की प्रॉपर्टी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि हम अपने स्कीमा में बैकएंड पे जाके स्टॉक की प्रॉपर्टी रखनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, उसका कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, ताकि हम अपर लिमिट भी लगा सकें। अभी एक नुकसान ये है कि यहाँ प्लस को क्लिक करते करते यूजर चाहे जितने मर्जी प्लस ऐड कर ले, तो ये तो नहीं होता ना कि अनलिमिटेड क्वांटिटी हो। देखिए ना, यहाँ इसकी अपर लिमिट कोई भी नहीं है, नहीं हम 10 के ऊपर नहीं लगा सकते ना, हो सकता है कि 10 के ऊपर भी कोई अलाउ करना चाहे। तो हम क्या करते हैं, हम बैकएंड पे जाके अपने प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में एक और प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे स्टॉक की। मिसाल के तौर पे अगर ये लेट सपोज वॉच है ना, तो वॉच का एक लिमिटेड स्टॉक होगा ना किसी भी शॉप में, तो उस स्टॉक की हद तक वो ऐड कर सके आइटम कार्ट में। एनीथिंग दैट गेट्स बिगर देन द स्टॉक तो उसको बटन को डिसेबल कर दे, वो बैकएंड से स्टॉक आएगा और उस पर हम लगाएंगे। ठीक है, यस, उधर से बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली देखें आपके स्टोर में प्रोडक्ट आया और आपने उसे अपने ऑनलाइन स्टोर में ऐड करना है, तो आपको पता है ना भाई स्टॉक कितना आया है, 10 पीस आए हैं, 20 पीस आए हैं, 2 दर्जन पीस आए हैं, कितने आए हैं, तो आपने उधर स्टॉक ऐड करना है प्रोडक्ट क्रिएशन के बाद। खैर वो तो एक डिसीजन मैटर है, अभी हमने वो नहीं किया, तो अभी हम चेंज करेंगे तो हमें पूरा साइकिल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। इधर हाँ, यस, वो फेच ऑलरेडी हो रहा है, उसमें स्टॉक की प्रॉपर्टी आ जाएगी और उसकी उसकी बेस पे कंडीशन लगा देंगे, और वो हम करेंगे भी, मे बी हम सफाई करें एंड पे ये सारा कंप्लीट करें, लेकिन फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि वी वांट टू गेट दिस आउट एटलीस्ट कि हमारी रिलैक्स। तो अब हम इस पे चलते हैं, ये काम है हमारा, इधर का भी खत्म हो गया, इधर का अब कार्ड स्लाइस में, तो हमने क्या करना है जी, जो काम डिटेल पेज पे हो रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन हम यहाँ पे बल्कि डिटेल पेज हमें क्लोज नहीं करना चाहिए था, वी शुड ओपन दिस अगेन, वेयर इज द डिटेल पेज, यस, इस पे आए और इस पे जो प्लस और माइनस के बटन है ना, हैंडल इंक्रीज और हैंडल डिक्रीज, ये दोनों लगा दें, हैंडल इंक्रीज क्वांटिटी, इसको कॉपी करें और कार्ट पे जहाँ भी प्लस है ना, ये वाला प्लस है, ठीक है, सो लेट मी डू दिस, हैंडल इंक्रीज क्वांटिटी, इसी तरह हैंडल डिक्रीज क्वांटिटी को आप ले लें, हैंडल डिक्रीज क्वांटिटी को आप यहां से ले लें और लेट्स सी वेयर इट गोस, ये है माइनस, तो इसको ले लें, ठीक है। उसके बाद इनपुट बॉक्स की लॉजिक भी आप ले आए यहां से वैल्यू की, और यहां से उठा के ये वाले जो इनपुट बॉक्स है इसकी वैल्यू को ये डाल दे। अब ना मेरे पास आइटम एग्जिस्ट है, ना ये फंक्शन है, ना ये फंक्शन है, तो एरर देगा, यानी ना ये फंक्शन ना ये फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों फंक्शंस को चारों को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है।
सो लेट्स सी, ये इंक्रीज क्वांटिटी, डिक्रीज क्वांटिटी, और इनको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, यहां से डिफाइन हुए पड़े हैं ये दोनों. सो लेट्स कॉपी देम, पुट देम इन हेयर. और क्या चीज रहती है हमारी, हाँ ये वाला आइटम एग्जिस्ट और कार्ट वाला, ये वाला काम रहता है. सो लेट्स डू दिस टू, ये ऑलरेडी हो रहा है, कार्ट ऊपर ऑलरेडी आ रहा है हमारे पास, तो हमने उसकी बेस पे सिर्फ आइटम एग्जिस्ट करना है. और क्या रहता है, लेट्स सी इन हेयर, कार्ट इज नॉट डेड, इज नॉट अ फंक्शन, कार्ट डॉट फाइंड, ये इधर कह रहा है. नहीं, वो इसलिए कि यहाँ पे ये सिर्फ स्टेट है और यहाँ पे स्टेट डॉट कार्ट है. सो लेट्स सी, ये कार्ट ऑलरेडी कहीं यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, स्टेट डॉट कार्ट. ओके, हैंडल रिमूव पे. सो वी कैन देन, वी कैन देन stay in the call. Okay, being recorded. So handle remove kidhar gaya, ye nahi idhar nahi use ho raha, I guess kahin nahi use ho raha. Agar use ho raha ho to dekh lenge hum, error aayega na, then we can resolve that error too. So let's see, ye aayega aur ab hum yahan pe jaate hain. तो आई डी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है. तो अब कौन सी आई डी नहीं आ रही, ये वाली आई डी नहीं आ रही. तो अब हमें यहाँ पे कोई थोड़ा सा डिफरेंट पीस ऑफ लॉजिक लगाना पड़ेगा, कि क्योंकि पहले तो हमारे पास इस पेज पे यहाँ टॉप पे आई डी आ रही थी ना, अब हमारे पास ये आई डी नहीं आ रही. अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो उसकी बेस पे हमने प्लस या माइनस लगाना है. दैट इज समथिंग वी शुड हैव used. तो आइटम एग्जिस्ट कार्ट एंड कार्ट डॉट फाइंड, हम ये काम यहां इस बजाय इसके यहां पे करने के, एग्जैक्टली यही काम हम यहां पे कर सकते हैं. क्योंकि देखें, जब हैंडल क्वांटिटी करेगा ना, तो ये एक इंडिविजुअल इस पे आएगा, यहां पे कर सकते हैं और फिर यहां पे कर सकते हैं, और इसको हम कर सकते हैं जी प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, और इसको भी हम कर सकते हैं जी प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी. तो लेट्स सी कि हम इसको यहां से हटा दें, इसको भी यहां से हटा दें, और इसको हम यहां पे ले आए, यस फंक्शन लेवल पे. लेट्स सी इट नाउ, ठीक. तो अब यहाँ पे हमें ये दो 20 की क्वांटिटी ऐड है, लेकिन यहाँ पे ये दो शो नहीं कर रहा, उसकी वजह कि कार्ट में, क्योंकि ये कार्ट हमने चेंज किया था ना, इसी कार्ट पे लूप लग रही थी, और ये कार्ट यहाँ पे है. अब ये कार्ट डॉट कार्ट नहीं रहा, बल्कि सिर्फ कार्ट रह गया, वो जो ऊपर हमने चेंज किया, ठीक. और अब अगर हम यहाँ पे जाएं, तो इन दोनों के, ये तो काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, नहीं, these are not working properly. So we probably have to put certain logs, और logs की बेस पे चेक करना है, लेकिन we cannot check it right now, time is over. इसको हम probably next time देखेंगे, और अगर हो सका तो हम इसकी अप्रोच को भी थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे.
बरल बाकी जो काम हमारा नॉर्मल था दैट इज सेट। और इसके लिए हम देखते हैं कि इसके लिए भी कोई बेहतर अप्रोच या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़े तो वो भी हम कर लेंगे। सो अभी प्रॉब्लम इज नॉन, क्योंकि जब ये यहाँ पे इस पेज पे पहुँचता है तो इस पेज पे ये जो कार्ट है ना ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता, ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम इस फंक्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक। जबकि नॉर्मली हमें ये कहीं आउट चाहिए या बाहर चाहिए, लेकिन हम इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मतलब वही, आई डोंट वांट टू इवन थिंक अपॉन दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, वरना